जम्मू और कश्मीर वादी में हड़ां की आफत में फसे लोगों के लिए श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी मसीहा बन के सामने आई है। कमेटी वालों कश्मीर वादी में लगातार लोड़ीदियां सुविधावां मुहैया कराई जा रही ने। श्रोमणी कमेटी वालों इत्थे लंगर तो इलावा कपड़िया दवाइया इस तरह दियां होर चीज़ां मुहैया कराई जा रही ने। उधर हड़ां की मार चल रहे लोगों का भी कहना है कि श्रोमणी कमेटी के इस उपराले की जिनी शलाघा की जाए उन्नी घट है। उन्होंने कहा कि अजिहे हालातों च भी सरकार अपना मुढ़ला फर्ज निभाउण च नाकामयाब रही ने। ये तो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और गवर्नमेंट का हाँ कहीं रोल नहीं है और मतलब अभी तो टाइम लगेगा। जिस स्टेज पे श्रीनगर था पहले उस स्टेज पे वापस आने में काफ़ी टाइम लगेगा। फिलहाल तो हमें जो अभी लाइफ को सेव करने के लिए वो चीज़ें करनी चाहिए, उसमें इनका काफ़ी अच्छा रोल है, आगे भी जाना चाहिए। हम यहाँ मैजू नगर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे ये गुरुद्वारा शहीद बुंगा यही हमारी सब मदद कर रहे हैं, यहाँ तक कि खाने को भी, मेडिसिन भी, हर चीज़ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हमें कोई कमी है, लेकिन हर चीज़ है, बस ये गवर्नमेंट वो नहीं कर रही है। कभी नहीं सोचा था लाइफ में, ये भी नहीं सोचा था कि शादी के बाद ऐसा होगा, वो कभी नहीं सोचा था। हाँ सपना, लेकिन अब सब सारे सपने ही चूर चूर हो गए, अब कुछ नहीं बचा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मेरे ख्याल पहली इंस्टीट्यूशन है जिन्हें एडे वड्डे पद्धर ते ये फैसला लिया भई चाहे कोई हिंदू भरा होवे, चाहे कोई सिख होवे, चाहे मुसलमान होवे, चाहे कोई ईसाई होवे, इस कुदरत दी मार जिहदे ते भी पई है उहनू किसी नू भुखे पेट सौण नहीं देना, किसी का तन नंगा नहीं रहन देना। दवाइयां दी मदद डाक्टरां दे राहीं उहनां दा इलाज भी करवाउणा ते जदों तक महाराज कृपा करनगे जदों तक सारे आपो अपने घरां नू नहीं चले जांदे ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।